Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. मुझे लगा छल से, माया से सुरापद्मन ने विजय की योजना बनाई है, किंतु वो तो बस स्वयं को सुरक्षित कर रहा था। भूल गया है क्या? उसका जीवन भी मेरे लिए है, और मुझे विजय चाहिए, बस विजय। चलिए वीर बाहू जी, आगे बढ़ते हैं। रुको, तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दूंगा। आदि गोरन जो कहता है वो करता है, जाने नहीं दूंगा तुम दोनों को। शक्ति के आगे तुम टिक नहीं सकते। ओहो असुर जी, आप खींचना ही चाहते हैं ना मुझे, तो लीजिए, खींच लीजिए। आदि गोरन का अंत हो, अब शीघ्र द्वार बंद करना होगा। मूर्खता ही नहीं, कायरता का भी परिचय दे रहा है तुम्हारा भ्राता। अपमान करवा रहा है हमारी असुर जाति का। इससे तो उत्तम यही होता कि आज के युद्ध में उस बालक के हाथों इसकी मृत्यु हो जाती। माँ के लिए उनके पुत्रों का कोई महत्व नहीं, ये तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। मुझे स्वयं के साम्राज्य का विस्तार करना है, और उसके लिए मैं किसी की भी आहुति दे सकती हूँ, चाहे वो मेरे पुत्र हो या पुत्र के पुत्र। हमारी वास्तविक शत्रु वहाँ नहीं, यहाँ है मेरे सामने। ज्येष्ठ के युद्ध भूमि में प्रवेश करने के पहले ही उन्हें बता देता तो कितना उत्तम होता। सुरापद्मन, महान असुर सम्राट मानते हो ना अपने आप को, तो ऐसे कायरों की भांति ना छुपो। आओ, बाहर आओ, अपनी वीरता का परिचय दो, निर्भय होकर हमसे युद्ध करो। नहीं नहीं, बाहर नहीं जाऊंगा मैं, कदापि नहीं। ये क्या हो रहा है? ये दुर्ग, मेरा मायावी दुर्ग, इसे कैसे भेद रहा है? ये
ये विशाल का ही मुष्टि मेरी ओर बढ़ रही है। कहीं ये हमारा दुस्साहस तो नहीं जिसके सामने मैं युद्ध भूमि में नहीं टिक सका, जिसने मेरे सभी अस्त्रों को इतनी सरलता से नष्ट कर दिया, जिसका अनुज विशाल आकार धारण कर यहाँ मेरे इस मायावी दुर्ग को भेदने में सफल हो रहा है, उनसे युद्ध करना कहीं अनुचित तो नहीं? अपनी मृत्यु को स्वयं आमंत्रित करने के समान तो नहीं? ये अशुभ संकेत के प्रतीक काग यहाँ से जाते क्यों नहीं? यही क्यों छाए हैं ये? सूर्यास्त होने में अभी भी कुछ समय शेष है। माया सुरा से ही अब तुम्हें अपनी माया का प्रयोग करना चाहिए। प्रभु, असुरों ने युद्ध विराम का संकेत अवश्य किया है, किंतु मुझे नहीं लगता कि अभी सूर्यास्त हुआ है। यदि अवश्य इनकी कोई माया है। उचित है, माया है तो उस माया का अंत मैं अपनी काया से अभी करता हूँ। सूरापद्मन यहाँ से भागकर अपने राजभवन में प्रवेश कर रहा है, मुझे उसे रोकना चाहिए। प्रभु, आपने अपने अंकुश का प्रयोग क्यों नहीं किया? जाने क्यों दिया उसे? वीर बाहुजी, भ्राता के समान हम भी शत्रु की पृष्ठ पर वार नहीं कर सकते, क्योंकि ये युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। और सूरापद्मन की मृत्यु भ्राता के द्वारा ही नियत है, वही उसके भाग्य का निर्धारण करेंगे। क्या महेंद्रपुरी में धर्म की शक्ति को स्थापित करने तथा अधर्म का नाश करने और मुझे यहाँ से मुक्त कराने स्वयं मेरे प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी विघ्नहर्ता श्री गणेश के साथ शीघ्र यहाँ आएंगे? हमारी सभी योजना विफल हो रही है, हमारे सभी आक्रमण निरर्थक हो रहे हैं। क्या इस युद्ध में हमारी जीत संभव है? अपने आप को संभालिए ज्येष्ठ, ये जो भी हो रहा है इसमें ना आपका और ना ही हमारे पुत्रों का कोई दोष है। यदि इसमें किसी का कोई दोष है तो वो एकमात्र माता का है। उनकी महत्वाकांक्षा ही उनके लिए सर्वोपरि है ज्येष्ठ। उन्हें हमारे जीवन या मृत्यु की कोई चिंता नहीं है, उन्हें तो केवल विजयी ही होना है, और जिसके लिए वो हम सब की आहुति दे सकती हैं। ज्येष्ठ, अब आप ही आदेश दीजिए कि हमें क्या करना है, युद्ध करना है या समर्पण? बताइए ना ज्येष्ठ, क्या निर्णय है आपका, हमें क्या करना चाहिए? क्या क्या पूछ रहे थे तुम सिंह? ज्येष्ठ ने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं।
क्या करना चाहिए हमें? मैं उत्तर देती हूँ इसका। इन सभी शरीरों को सुरक्षित रखा जाएगा। हमारे किसी भी असुर योद्धा का अंतिम संस्कार नहीं होगा, क्योंकि उचित समय पर मैं अपनी साधना से उन सभी को पुनर्जीवित करूंगी। प्रणाम पिताश्री। कल जिसे मैंने उलाहना दी थी वो मुझसे प्रश्न पूछेगा तो मैं क्या कहूंगा? पिताश्री, आपने कहा था कल युद्ध में मेरा प्रदर्शन निराशाजनक था। नहीं, मैं आप पर और आज के युद्ध में आपके आचरण पर उंगली नहीं उठा रहा हूं। मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि जैसे कल पूर्ण रूप से मैं तैयार नहीं था, वैसे ही आज आप भी तैयार नहीं थे। इसीलिए तो युद्ध भूमि से हमें मुख फेर कर वापस आना पड़ा। जो हुआ सो हुआ, किंतु सत्य यही है कि वो वास्तव में उतने शक्तिशाली है नहीं जितना कि अब तक के युद्ध में प्रतीत हुए। अब शांत चित्त से अपने सामर्थ्य, अपनी शक्ति को एकत्र करो, क्योंकि कल अटल विश्वास के साथ तुम्हें युद्ध भूमि में उतरना है। भूल हुई है मुझसे, बिना आपके अनुमति के मैं युद्ध भूमि में चला गया। क्षमा प्रार्थी हूं मैं आपका। यदि आप दोनों अनुमति दें तो असुर सम्राट का ये पुत्र भानु कोपन पूरी तैयारी और योजना के साथ युद्ध में जाना चाहता है और देवताओं को उनका उचित स्थान दिखाना चाहता है। भानु कोपन, अब तुम्हें अनुमति की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु पुत्र, तुम युद्ध कैसे करोगे? तुम्हारा हाथ। उसकी चिंता तुम मत करो सुरापद्मन। जो अपनी पत्नी को दंड ना दे सका वो शत्रु को दंड क्या देगा? साहस को, पराक्रम को नकारने का नहीं स्वीकारने का समय है। कल युद्ध के लिए जाना है तुम्हें, जिसके लिए मैं तुम्हें स्वयं तैयार करूंगी, ताकि इस बार कोई भी भूल ना हो। और वैसे भी कल तुम्हारी द्रोही माता शेष नहीं रहेगी, क्योंकि वो जयंत और विभूति के साथ एक अंधकारी काल कोठरी में बंधी है। तुम दोनों की पत्नियों ने देवताओं की पुत्रियां होने का परिचय दे ही दिया, द्रोह किया हमसे, जयंत को मुक्त कराने का प्रयास किया, इसका दंड दिया है मैंने उन्हें। यदि तुम्हें अपनी पत्नियों की इतनी ही चिंता है तो कहो उनसे कि भरी रात सभा में अपना अपराध स्वीकार करें, क्षमा याचना करें, तो कदाचित मैं उन पर दया कर उन्हें कारागृह से मुक्त कर दूंगी। अपने पराक्रम से प्रभु कार्तिकेय दुष्टता और अधर्म का विनाश करेंगे, इस युद्ध का अंत करेंगे और लौटेंगे, तब वो मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। ये क्या कर रही है ये वन कन्या?
क्या हुआ भ्राता? आपको कुछ आवश्यकता है क्या? मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूँ? तुम ये क्या कर रही हो? इनकी सेवा कर रही हूँ, और क्या? आपने ही तो कहा था सूर्यास्त के समय युद्ध विराम होता है। ये थके होंगे, अभी विश्राम कर रहे होंगे, इसीलिए मैं इनके चरण दबाकर इनकी सेवा कर रही हूँ। किंतु इसकी अधिकारी तुम नहीं हो। ये कार्य तुम्हारा नहीं, मेरा है। ये मेरा कर्तव्य है। वो मेरे स्वामी है, मैं उनकी सेवा करूंगी। अपने पिताजी के लिए औषधि तैयार करने में भी विलंब हो रहा होगा। सत्य है, वहां मेरी प्रतीक्षा हो रही होगी। मुझे जाने की अनुमति दीजिए। चिंता मत करो, स्वामी की सेवा तो मैं कर लूंगी। तुम जाकर अपने पिता की देखरेख करो, जो एक पुत्री का महत्वपूर्ण दायित्व है। यहाँ से जाने के लिए तो मेरा हृदय ही नहीं मान रहा है, किंतु पिताश्री की औषधि तैयार करना भी अति आवश्यक है। उसके लिए तो मुझे जाना ही होगा। ये तो देवी देवसेना का स्पर्श है। अवश्य कोई माया है इस जैन की, जिसके कारण तुम दोनों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। नहीं स्वामी, हमने वही किया जो हमें करना चाहिए था। अपने पुत्रों के जीवन के लिए हम किसी भी प्रकार से ये युद्ध रोकना चाहती थी, किंतु आज के इस युद्ध के बाद दो असुर पुत्रों की मृत्यु के उपरांत अब आशा की कोई किरण ही शेष नहीं बची। अब चाहे जो भी हो, उसका हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब तो इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कल भानुकोपन पुनः युद्ध पे जा रहा है। भानुकोपन? हाँ, तुम्हारा पुत्र भानुकोपन। तो क्या तुम्हें इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा कि वो तुम्हारे आशीर्वाद के बिना ही युद्ध में जाएगा? और उसका भी नहीं, ये अंतिम बार है जब कदाचित उसे जीवित देखने का अवसर प्राप्त हो तुम्हें। स्वामी, ऐसे अशुभ वचन मत कहिए। स्वर ऊंचा करने का कोई लाभ नहीं, ये युद्ध अनिवार्य है, और शुभ अशुभ का निर्णय अब युद्ध भूमि में होगा। मैं एक बार उसे भेंट करना चाहती हूँ, उसे देखना चाहती हूँ। स्वामी, मेरी सहायता कीजिए, मुझे यहाँ से मुक्त कीजिए।
कृपा कीजिए मुझ पर। अभी कुछ ही क्षण पहले हम तो अपने भाग्य को स्वीकार किए बैठी थी असुर सम्राट, पुत्र खो चुकी हूँ मैं। अब तो इस माँ के जीवन का भी कोई मूल्य नहीं है। किंतु दीदी पद्म कोमल, ये उनका पुत्र प्रेम ही है जो अश्रु की धारा बनकर छलक रहा है उनके नेत्रों से। माँ का हृदय तो सदा अपनी संतान के साथ ही रहता है, इसलिए कृपा कीजिए सम्राट, कृपा कीजिए उन्हें यहाँ से मुक्त करने का और अपने पुत्रों को देखने का कोई तो उपाय कीजिए। पद्म कोमल, उसका अब एक ही उपाय है, भरी रात सभा में स्वीकार कर कि तुम अपने पिता के समान द्रोही हो। राजमाता सुरासई से क्षमा याद ना कर उनकी दया की भिक्षा मांग लो। स्वीकार है, मुझे अपने पुत्र से भेंट के लिए ये भी स्वीकार है। असुर सभासदों, शत्रु द्वार पर और हमें असफलताओं का सामना भी करना पड़ा है। किंतु निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वास्तविक युद्ध तो अब आरंभ होगा, क्योंकि माया सुरासई अभी जीवित है और मैं अपने किसी भी असुर को आहत नहीं होने दूंगी, उसके नख को क्षति भी नहीं पहुंचने दूंगी। माया सुरासई की जय। राजमाता माया सुरासई की जय। ये काग फिर आ गए यहां। माया सुरासई की जय। माया सुरासई की जय। लोभानुकोपन, तुम्हारी सफलता की कामना करते हुए मैं तुम्हें ये मायावी शस्त्र प्रदान करती हूँ। कोई साधारण अस्त्र नहीं, मेरा महामायाविनी सुरासई का महाअस्त्र है, जो शिवास्त्र और ब्रह्मास्त्र के भांति हमसे छल नहीं करेगा, सफल होगा, विजयी दिलवाएगा हमें कल के युद्ध में। हमें भानुकोपन, राजमाता सुरासई, हम दोनों आपसे क्षमा याचना करते हैं, हमने आपके साथ द्रोह किया है, बहुत बड़ी भूल हुई है हमसे। जो मैं चाहती हूँ वो कहो,
तभी तुम्हारी क्षमा याचना पूर्ण होगी। द्वारपाल, ले जाओ इन्हें। रुको, माँ, द्रोही पिताओं की द्रोही पुत्रियां हैं हम। जैसा द्रोह हमारे पिताओं ने किया है, वही द्रोह करने का दुस्साहस किया है हमने। कृपया हमें क्षमा कर दीजिए माँ। ये दोनों माँ के सामने प्रस्तुत हो गई हैं, क्षमा याचना भी कर ली इन्होंने। इतना क्या पर्याप्त नहीं? अब तो इन्हें क्षमादान मिलना ही चाहिए। दंड मिलना चाहिए तुम्हें, दंड मिलना चाहिए तुम्हें। तुम्हारे पिताओं के समान द्रोह करने का दंड। दंड? ये क्या कर रही है माँ? उन्होंने तो इन्हें क्षमादान देने का वचन दिया था। और तुम्हारा दंड ये है कि आज से तुम दोनों को महेंद्रपुरी की रानियां होने का अधिकार नहीं होगा। अभी तो आज से तुम दोनों द्वार रक्षक बनोगी यहाँ की। इस काक समूह को यहाँ से हांक कर दूर करने वाली कौआ हांकनी होगी। विजयी होने का आशीर्वाद देने से भी वंचित रह गई। माता, हटो, जाओ यहां से। ये वन कन्या इससे पहले ही यहाँ पहुंच गई। स्वामी की पूजा करने का अधिकार तो मेरा है, तू ये कैसे कर सकती है पूजा? ये कैसी पूजा है इसकी? और ये कैसी अनुचित पूजा सामग्री है? ये क्या कर रही हो तुम? उठो वहां से, तुम यहां पूजा नहीं कर सकती। क्यों? क्यों नहीं कर सकती? तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूं ये आवश्यक नहीं, तुम बस उठ जाओ यहां से। किंतु क्यों? अपने प्रिय प्रभु कार्तिकेय की पूजा ही तो कर रही हूं, भला इसमें क्या अनुचित हो सकता है? क्या कहा इसने? मेरे प्रिय प्रभु, ये तो सभी सीमाएं पार कर रही है। ये मेरा पूजा स्थल है, इस प्रतिमा को मैंने रचा है, मैंने इनकी यहाँ स्थापना की है। इतने दिनों से मैं यहाँ इनकी पूजा करती हूँ। ये मेरे प्रभु हैं, तो इनकी पूजा करने का एकमात्र अधिकार मेरा है, बस मेरा। प्रभु कार्तिकेय तो परम ब्रह्म ईश्वर है, आप ही ने तो कहा था, और ईश्वर कभी अपने सच्चे भक्तों में भेदभाव नहीं करते। ये तो सबके भगवान है, भला मात्र आपके भगवान या आपके प्रभु कैसे हो सकते हैं? ये तो उचित है, मैं इसे प्रभु की पूजा करने से रोक तो नहीं सकती, परंतु पूजा की उचित विधि अवश्य बता सकती हूँ।
इस प्रकार मुझे पूजा करने का अवसर भी प्राप्त हो जाएगा और मैं अपने प्रभु के निकट भी रह पाऊंगी। भगवान की पूजा विधान से की जाती है, इस प्रकार अनुचित नियमों और सामग्री से की गई पूजा का कोई अर्थ नहीं है। तुम मेरे द्वारा की गई पूजा से सीख कर सकती हो पूजा। कदाचित आप उचित बोल रही हैं, किंतु मैं तो ये भी जानती हूँ कि भगवान अपने भक्तों के भाव देखते हैं। किसी भी पूजा में श्रद्धा और भक्ति ही तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उचित कहती है, श्रीकाल हस्ती में भी मकड़ा, सर्प, गज तीनों की पूजा विधि भिन्न थी, किंतु उनकी भक्ति सर्वोच्च थी, इसलिए वो तीनों प्रभु के अनन्य भक्त थे। प्रभु की पूजा करने का अधिकार तो हर एक भक्त को है, फिर मैं कौन होती हूँ किसी को भी उनकी भक्ति और पूजा में रोकने वाली। ईश्वर को अपना प्रत्येक भक्त एक समान प्रिय होता है, चाहे वो निपुण हो या अज्ञानी, महत्व केवल भावना का है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।